हर दिन डोमिनोज 3 मिलियन पिज्जाज की डिलीवरी करता है। मतलब इतने सारे पिज्जाओं की कतार, या कहे तो जमैका जैसे देश की पूरी जनता को पिज्जा खिलाने के बाद भी लाखों पिज्जाज बच गए। पर क्या आपको पता है, आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी कि हजारों करोड़ों कमाने वाली कंपनी के मालिक ने इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ $15 में से की थी। बिल्कुल। और आज 90 कंट्रीज में 17,800 कामयाब स्टोर्स खड़े कर दिए हैं। बट ऑफ कोर्स डोमिनोज को सक्सेस ऐसे ही नहीं मिला। एक छोटे से डोमिनोज स्टोर से शुरू करके सन 1969 में 32 स्टोर्स की गिनती पर डोमिनोज को शुरू करने वाले टॉम मोनागन के 32 के 32 स्टोर्स डूब गए थे, और उनके साथ टॉम को भी $1.5 मिलियन के कर्जे में डुबा दिया था। और जब अपने डोमिनोज की बैंकरप्सी को बचाने के लिए टॉम बैंक के पास गए, तो बैंक तक टॉम की कंपनी को बचाने में मदद नहीं कर पाया। तो फिर आज के तारीख में कैसे डोमिनोज $1 बिलियन कंपनी बन चुका है, और कैसे ये सक्सेस की सीढ़ी लगातार चढ़ते रह सका, कैसे बर्बादी के समुद्र में डूबने के कुछ ही सालों बाद 1983 में से डोमिनोज ने 32 से सीधा 1,000 स्टोर्स खोल लिए और 100 या 500 नहीं बल्कि 3,000% ग्रोथ हासिल कर ली। वेल, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, और इससे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है जो आप अपने लाइफ में भी प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डोमिनोज के सक्सेस की गाथा इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड द होमलेस मैन हु क्रिएटेड डोमिनोज फ्रॉम हिज लास्ट $15। सो फ्रेंड्स, कभी सुना है कोई इंसान आर्मी में भर्ती करवाने जाए लेकिन उसके बदले में मरीन्स में भर्ती होकर आ जाए? वेल, आप सोच रहे ये कैसा अटपटा सा सवाल है ना, बट बात ये है ना, आज डोमिनोज के सिंहासन पर बैठे टॉम मोनागन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब सन 1956 में महज 19 इयर्स की उम्र में जब टॉम ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, तब उन्हें यह पता चला कि वो असल में आर्मी में नहीं बल्कि मरीन्स में ज्वाइन हो गए। और ऐसे में डोमिनोज के किंग के पास बस सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। एक था कि वो मरीन छोड़ छाड़ कर घर लौट कर वापस आ जाए, या फिर अपने किस्मत के खेले हुए इस खेल को वहीं पर रह के मरीन्स में रहकर पूरा करके आए। एंड कैन यू बिलीव इट, टॉम ने सेकेंड ऑप्शन को चूज किया, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो मरीन्स में जिंदा रह पाते और उसे सर्वाइव करके बाहर आते तो समझ लो जिंदगी में कोई भी पीड़ा को सर्वाइव कर पाते। और अपने इसी फैसले को पूरा करने के लिए टॉम डिटरमाइंड हो गए कि लाइफ में चाहे कोई भी पीड़ा, कोई भी आपदा आए, कोई भी ट्रेजेडी आए, मैं उसे हरा पाने के लिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग तो शुरू की मरीन्स के लिए, पर उसके साथ उन्होंने मेंटल ट्रेनिंग भी स्टार्ट की। वो बुक्स रीड करना स्टार्ट किए, उन्होंने इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ना शुरू किया। उनका ये मानना था कि आपके दिमाग को भी आपके बॉडी की तरह एक्सरसाइज की जरूरत होती है, जिससे वो सोचने और समझने की अपनी ग्रोथ हासिल कर पाता है। और उनकी यही मेंटल एक्सरसाइज एट अ वेरी यंग एज आज कितनी काम में आई, वो आज हम खुद ही देख पा रहे हैं। अगर आप मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोग की बायोग्राफीज पढ़ोगे तो उसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमन चीज नजर आएगी कि ऑल ऑफ देम आर एविड बुक रीडर्स। और मैं ये जानता हूं कि आज के भागदौड़ बड़े लाइफ में बुक रीड करने के लिए टाइम नहीं होता, या फिर बुक दूसरे लैंग्वेज में होती जैसे कि इंग्लिश, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज किए जाते हैं और इस वजह से हम बोर हो जाते हैं और वो बुक को पूरा फिनिश नहीं कर पाते। बट फ्रेंड्स, यहीं पर एक ब्रिलियंट सोल्यूशन लेकर आया है कुकू FM ऐप, जिसमें आपको रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो बुक फॉर्मेट में बुक्स रीड करने मिलेगा, और साथ में बड़े बड़े और पॉपुलर बुक्स की बुक समरीज भी मिलेगी अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो। सिर्फ एक बुक में इतनी पावर होती है कि आपका माइंडसेट बदल सके और एज अ रिजल्ट आपकी लाइफ को बदल सके। और यहाँ पे आपको सैकड़ों बुक्स मिल जाएंगे ऑडियो फॉर्मेट में वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी, मराठी, बंगाली एक्सेट्रा। इस ऐप में आपको सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, नॉलेज, करियर, मोटिवेशन, फाइनेंस, बिजनेस और मैनेजमेंट को सीखने और समझने वाली ऑडियो बुक्स मिलेंगी। और ये सब सर्विस अवेल करने के लिए आपको ईयरली बेस पर एक बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो है महज ₹399। बट फ्रेंड्स, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट उसमें भी मिलेगा। इसका मतलब ₹319 में आप ये सारे सर्विसेज अवेल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप इसी वीकेंड में खरीदोगे तो आपको एक और एक स्पेशल ऑफर है, जिसमें आपको 20 नहीं बल्कि 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि आप ₹199 में खरीद सकते हो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। मतलब काइंड ऑफ अठन्नी पर डे में आपको इतना सारा पोटेंशियल नॉलेज और आइडियाज मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको रीडिंग की हैबिट लग रही है, यू नो, बिना अपना एक्स्ट्रा टाइम गवाए आप ब्रेकफास्ट में सुन सकते हो, आप ट्रैवलिंग में सुन सकते हो, आप रिलैक्स करते वक्त सुन सकते हो और
अपने नॉलेज को एक्सपैंड करते रह सकते हो, बिकॉज नेवर फॉरगेट नॉलेज ऑलवेज कंपाउंड्स विद टाइम। तो अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं पर्सनली इस ऐप को बहुत यूज करता हूँ और मेरा नॉलेज बढ़ाने में इसने काफी अच्छा योगदान दिया है। सो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, टॉम ने अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने का डिटर्मिनेशन ला लिया और इसके पीछे का रीजन एक ये भी था कि पूरी किस्मत ने उन्हें हमेशा पहले भी परेशान किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टॉम की खुद की माँ ने उसे 2 बार घर से बेघर कर दिया था और तीसरी बार तो उन्होंने टॉम को सीधा जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होम में सड़ने के लिए भेज दिया था। अब सवाल ये आता है कि अपने ही बच्चे के साथ माँ ने ऐसा क्यों किया? Well, बात ये है ना, 25th मार्च 1937 में जन्मे टॉम की जिंदगी तब तक एक आम बच्चे जैसी थी जब तक उन्होंने अपने पिताजी को नहीं खो दिया था, और उस दौरान उनकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। और इसके बाद टॉम की माँ अकेली पड़ गई और हालात ऐसे बिगड़ने लगे कि उन्हें खाने से लेकर रहने सबके वांदे होने लग गए। और इस सब के चलते उसकी माँ ने तो हार मान लिया और अपने छोटे बेटे को ऑर्फनेज में भेज दिया। अपने छोटे भाई के साथ इतनी छोटी उम्र में टॉम अपनी माँ का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके माँ ने दोबारा पलट के 7 सालों तक कभी नहीं देखा, जब तक वो एक नर्स बन गई और फिर उसके बाद उसने वापस आके अपने बच्चों को अपना लिया। लेकिन फाइनेंशियली भी हालत कुछ बहुत सुधरे नहीं थे। टॉम खुद पढ़ाई करने के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, और 7th ग्रेड में पहुंचने के बाद तो उन्होंने न्यूज़पेपर बेचने से लेकर घर घर में जाकर मछलियां बेचना, ऐसे सब ऑड जॉब्स करना शुरू कर दिया। पर यही वो दौर भी था जब टॉम की अपने माँ से अनबन होने लग गई और ये झगड़े इतने बढ़ गए कि माँ ने एक और एक बार अपने दोनों बच्चों को ऑर्फनेज में भेज दिया। और फिर एज यू कैन इमेजिन इट, इसके बाद टॉम की जिंदगी बद से बदतर हो गई। सुबह सूरज से पहले जाकर आधी रात तक काम करने से लेकर बिना बिजली के ठंड में थितुरने से लेकर जूते की गंदगी में सन जाने से लेकर जिंदगी ने टॉम को हर तरह से तोड़ने की पूरी कोशिश की। और जब टॉम ने अपने जिंदगी के इन दुख भरे पन्नों को पलटकर इन पहलियों को समझा तो टॉम को बस सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया और टॉम ने प्रीस्ट बनने की ठान ली। अब प्रीस्ट बनने के लिए टॉम ने सेमिनरी में भर्ती ली, पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए 1 साल के अंदर अंदर एक डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से टॉम को सेमिनरी से बाहर निकाल दिया गया। और फिर एक और एक बार टॉम को अपनी माँ के साथ रहने जाना पड़ा, लेकिन रोज रोज माँ बेटे के झगड़े और बढ़ते ही जा रहे थे और आखिर में टॉम की माँ ने टॉम से हार मानकर स्कूल में पुलिस भिजवाकर टॉम को जुवेनाइल डिलिंक्वेंट होम में भेज डाला, जहाँ टॉम को एक क्रिमिनल जैसा महसूस होता था पर असल में टॉम ने कोई क्राइम किया ही नहीं था। और ये खबर जब टॉम के अंकल आंटी को पता चली तो उन्होंने पिटीशन डालकर टॉम को वहां से निकाला और अपने साथ अपने घर ले गए। अब इससे टॉम की जिंदगी में एक नई उम्मीद सी उमड़ आई। पर जैसे पत्थर जलकर कोयला होता है और फिर कोयले से हीरा, वैसे ही टॉम के लिए भी अभी कई सारे पड़ाव पार करना बाकी थे। आज की $1 बिलियन की कंपनी को खड़ी करने के लिए $15 जुटाना बाकी था। अपने अंकल आंटी के साथ रहते रहते बड़ी मुश्किल से टॉम स्कूल से ग्रेजुएट हुए और फिर उन्होंने फेरिस स्टेट कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अप्लाई किया और वहां पर सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन सिलेक्ट होने के बावजूद भी पैसे की कमी की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर सके और ऐसे में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। बट जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आर्मी उन्हें ऐसा लगा उन्होंने ज्वाइन किया, बट असल में उन्होंने मरीन्स ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से 3 साल तक मरीन में काम करने के बाद 1959 में उन्हें एक ऑनरेबल डिस्चार्ज मिल गया और साथ ही उनके मेहनत के उन्हें पूरे $2,000 मिले, जो टॉम ने अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए जमा किया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी टॉम की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि इस बार उनका पाला पड़ा एक धोखेदार बिजनेसमैन के साथ, जिसने टॉम को अपने पैसे मल्टीप्लाई करने की झूठी स्कीम में फंसाकर उसके सारे पैसे लूट लिए। और अब फाइनली आता है वो थ्रिलिंग मोमेंट जब टॉम के पास सिर्फ और सिर्फ $15 थे, पर इन $15 को अपने जेब में लेके यहां वहां भटकने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं था। और ऐसे में टॉम के पास सरवाइव करने के लिए बस सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये था कि वो अपने भाई के पास चले जाए। जैसे तैसे करके टॉम सैन डिएगो से एन आर्बर चले गए और वहां पर उनके भाई के घर में उन्हें सर छुपाने के लिए एक छत मिल गई और वहां का खर्चा खुद उठाने के लिए टॉम ने एक लोकल न्यूज़पेपर के सुपरवाइजर की नौकरी कर ली। इस नौकरी से आए पैसों से उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन सिर्फ 3 हफ्तों में किताबें तक खरीदने के लिए पैसा ना होने पर एक बार फिर से टॉम को पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। और बाय द वे, ये सारा हो गया उनकी लाइफ में और वो अब तक बस सिर्फ 23 ईयर्स के हैं। अब उनके किस्मत का पहिया तब पलटने लगता है जब एक बार उनके छोटे भाई जेम्स टॉम को मिशिगन के यसिलांटी में बिक रहे सस्ते डोमिनिक्स पिज्जा स्टोर के बारे में बताए और पूछा कि दोनों भाई मिलकर इसे अलग अलग शिफ्ट्स में अगर मैनेज कर सके तो कैसा रहेगा, जिससे पैसे तो आएंगे ही पर साथ ही में टॉम को अपने पढ़ाई करने के लिए भी अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा।
और ये आइडिया सुन के टॉम को लगा कि वाओ, ये आइडिया तो मचाने वाला है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। और उन्होंने $900 का लोन निकालकर उस स्टोर को खरीद लिया। पर स्टोर खरीदने के बाद जेम्स के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे ऐसा लगने लगा कि वो अपनी सिक्योर्ड नौकरी के बजाय पिज्जा के रिस्की बिजनेस में एंटर तो कर लिया है, पर इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए सिर्फ 6 महीने बाद ही जेम्स ने टॉम को उसकी टूटी फूटी कार के बदले पिज्जा का स्टोर एक्सचेंज कर लिया। इससे पूरे पिज्जा स्टोर का राइट अब टॉम के पास था। पर उनका बिजनेस इतना मंदा चल रहा था कि सिर्फ एक ही महीने में टॉम के सर से छाती छीन गई। और खुद को जिंदा रखने के लिए टॉम को अपने स्टोर में ही पूरा दिन पड़े रहना पड़ा, पॉपकॉर्न्स को खा खा कर जिंदा रहना पड़ा। और इसके साथ आती है एक और एक आफत, जैसे हरियाली देने वाले बारिश के पहले काले बादल छाते हैं ना, वैसे ही एक दिन टॉम का आधा स्टाफ काम पर नहीं पहुंचा। और उस दिन टॉम ने अपने पिज्जा के मेन्यू में से जल्दी डिलीवरी करने के लिए सिर्फ कुछ ही पिज्जास को ऑर्डर के लिए रखा, जिससे कि पिज्जा मेकिंग जल्दी से हो और डिलीवरी भी जल्दी हो सके। और यहाँ पर कुछ बहुत ही मैजिकल हो गया। ये वो एक्चुअल में पहला दिन था जब टॉम के पिज्जास ज्यादा सेल हुए थे। वेल, टॉम ने सोचा, यार लोग तो कम थे, पिज्जा का मेन्यू भी कम था, और फिर भी सेल्स बढ़ गए। यहाँ पर डेफिनेटली उसने कुछ सही चीज कर ली थी अनजाने में। टॉम ने फिर इस टेक्निक को आगे बढ़ाया और टॉम ने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के लिए फ्री में भी पिज्जा डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उस स्टोर में पिज्जा की डिमांड और हाई हो गई। पर अभी तक एक सिर्फ छोटी सी कामयाबी ही हाथ लगी थी। अब तो टॉम को और कामयाब होना बाकी था। टॉम की जिंदगी आगे तो बढ़ रही थी, पर टॉम ने अपनी जिंदगी में इतनी हार देखी थी, इतने उतार चढ़ाव देखे थे कि अब टॉम को आगे कदम बढ़ाने में डर लगने लगा। जैसे जब टॉम ने माउंट प्लेजेंट मिशिगन में अपना पहला पिज्जा फ्रेंचाइजी खोला, उस टाइम वो इतने डरे हुए थे कि वो पूरी रात नहीं सो पाए। लेकिन अपने इस डर को टॉम ने हावी होने नहीं दिया और ऐसी मेहनत की कि जल्दी उनका बिजनेस बढ़ते गया और एक ही हफ्ते में वो 1000 जितने पिज्जास डिलीवर करने लगे। और इसके बाद टॉम के हाथ एक के बाद एक कामयाबी लगती रही और 1960 में शुरू हुए अपने इस बिजनेस को 1965 में डोमिनोज का उन्होंने नाम दे दिया। आज पिज्जास की टॉपिंग को मॉइस्ट और क्रस्ट को क्रिस्प रखने के खातिर यूज होने वाले ये होल्ड बॉक्सेस, हीटेड पाउचेस और पिज्जा के लिए कन्वेयर ओवेंस, इस तरह के कई सारे सॉल्यूशंस टॉम ने इसी दौर में निकाले। पर फ्रेंड्स, सूरज की सुनहरी धूप को चखने के बाद रात तो आनी ही थी, और वैसे ही अंधेरी रात टॉम के लाइफ में एक बार फिर से आई जब 1969 में डोमिनोज के पास 32 स्टोर्स हो गए थे, पर ये सारे के सारे फेल होने लगे और टॉम को इस वजह से $1.5 million का घाटा पड़ा। और बहुत कोशिशों के बाद भी जब टॉम को इस आफत से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो टॉम ने बैंक से लोन लेने की ठानी, अपनी बैंकरप्सी बचाने, तो बैंक भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाई, क्योंकि बैंक ने जिन एक्सपर्ट्स को काम में लगाया उन्होंने पिज्जास के प्राइसेस को बढ़ा दिए और क्वालिटी को बर्बाद कर दिया, जिससे बिजनेस और डूबने लग गया। और ऐसा होने के बाद बैंक ने टॉम को उनकी कंपनी सौंप दी और अपने सर पर 1000 क्रेडिटर्स का बोझ लिए हुए टॉम बड़ी मुश्किल से पूरी मेहनत और लगन लगाकर अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इस दौरान उन्हें एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें अपने डोमिनोज के एम्पायर को बढ़ाना है तो उन्हें अपने पुराने आउटडेटेड तौर तरीकों को आजमाना बंद करना पड़ेगा और उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू टेक्निक्स से। और टॉम ने नया तरीका ढूंढ भी लिया, जो कि ये था कि अब जब कोई भी उनके पास फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आता तो उनसे पैसे चार्ज करने के बजाय उनसे एक साल तक सक्सेसफुली पिज्जा स्टोर को चलाकर दिखाने के लिए वो कहते थे, काइंड ऑफ लाइक ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप फॉर हैंडलिंग ए फ्रेंचाइजी। और फ्रेंड्स, ये नई टेक्निक ऐसे काम की कि उसके बाद देखते ही देखते डोमिनोज का जो बिजनेस बढ़ा कि 1978 तक डोमिनोज के 200 और 1983 तक 1000 पिज्जा स्टोर खड़े हो गए। यही नहीं, कंपनी को इससे 3000% की ग्रोथ भी मिली, जिससे कि टॉम इतने अमीर हो गए कि $15 से उन्होंने $53 million की, यानी 394 crores की बेसबॉल टीम डिट्रॉयट टाइगर्स को खरीद लिया। और इसके बाद वो एक के बाद एक पड़ाव पार करते गए और आज उनकी ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि सन 2020 में टॉम मुनागिन के पिज्जा बिजनेस ने $16.1 billion यानी 1,20,000 crore की कमाई पूरी की थी। पूरी दुनिया में आज डोमिनोज के 17,800 पिज्जा स्टोर्स हैं और इनकी गिनती आने वाले सालों में ऐसी ही बढ़ते रहने वाली है।
तो फ्रेंड्स, ये थी टॉम मुनागन यानी डोमिनोज के पिज्जा को दुनिया भर में फैलाने वाले एक आम इंसान की कहानी, जिन्होंने $15 से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, दुनिया को पिज्जास का वरदान दिया। और उनकी दर्द भरी कहानी इस बात का सबूत है कि जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे, पर आपको हमेशा उनके पार का सोचना है और नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाना है। प्रॉब्लम से हार मानने के जगह पर उसे हेड ऑन फेस करके दिखाना है और उसे हराना है। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करो गेट सेल्फ लाइफ फैक्ट चैनल को। यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग, एजुकेशनल और नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे एवरी डे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।